दोस्तों, आज हम बनाएंगे पालक मखनी दाल। जैसे ढाबों में बनता है वैसे बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं पालक मखनी दाल। सबसे पहले हम दाल धुलेंगे। ये चना दाल 1 कटोरी, 1 कटोरी उड़द दाल, 1 कटोरी अरहर दाल। अभी तीनों दाल को हम एक साथ डालकर धुल लेंगे। तो ये दाल को हमने धुल ली है अच्छी तरह से। आप चाहें तो, आपके पास टाइम हो तो 1 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ सकते हो। हम तुरंत बना रहे हैं। अब इसमें डालेंगे पानी, स्वाद अनुसार नमक। इसको ढक्कन लगा के उबाल लेंगे। दोस्तों, 1-2 प्याज हम इसमें चॉप कर लेते हैं कटी हुई, लहसुन और ये अदरक हमने कद्दूकस कर लिया है, ये हरी मिर्च बंद करके चॉप करेंगे। दोस्तों, ये हमने बारीक चॉप कर लिया है सारी चीजें। अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसी में हम टमाटर चॉप करेंगे। दोस्तों, ये हमने टमाटर भी चॉप कर लिया है। तो चलिए हम बनाते हैं। दोस्तों, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें डाल देते हैं देसी घी। घी को अच्छी तरह से पिघल जाने देंगे। इसमें डाल देंगे जीरा 1 चम्मच। जीरा को अच्छी तरह से हम चटक जाने देंगे। फिर इसमें डालेंगे हम ये जो हमने लहसुन प्याज अदरक मिर्ची चॉप करके रखे हैं, इसको डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से भून जाने देंगे। दोस्तों, ये हमारा लहसुन प्याज अदरक भून गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक चॉप किया हुआ ये टमाटर। इसको भी हम भून लेते हैं। 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच तीखी मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम भून लेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। अब हम हल्का सा नमक डाल दे रहे हैं ताकि टमाटर हमारा जल्दी गल जाए। दाल में हमने नमक डाला है इसलिए हम थोड़े से डालेंगे इसमें। दोस्तों, हम पानी की जगह थोड़ा सा ये दही और मलाई डाल देंगे ताकि हमारा मसाला गले ना। आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हो। इसके डालने से, मलाई डालने से हमारी दाल और क्रीमी क्रीमी सी आएगी। इसलिए 1 चम्मच दही और 1 चम्मच मलाई दोनों को मिलाकर हमने डाल दिया है इसमें। अब ये मसाला हमारा अच्छी तरह से पक जाए तो अब हम इसमें पालक डाल देते हैं। हमने पालक को पहले ही धोकर काट लिया था जिसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे चलाते हुए। दोस्तों, अब इसको हम ढक देते हैं 1 मिनट के लिए ताकि पालक हमारी अच्छी तरह से पक जाए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए ढकेंगे। दोस्तों, ये हमारी पालक पक चुकी है और ये दाल भी हमारी पक चुकी है। ये देखिए, हमने जो उबलने के लिए रख दिए थे, अब इसको डाल देते हैं इसी में। दोस्तों, ये हमने अच्छी तरह से मिला लिया है दाल को पालक में। आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है, कितना बढ़िया दिख रहा है। अब हम, हमारी दाल बन चुकी है, एक उबाल आ जाने देते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। अब ये दाल हमारी पक चुकी है, गैस हम बंद कर देते हैं, तड़का तैयार करेंगे इसके लिए। तो हमने देसी घी का तड़का लगा रहे हैं। ये देसी घी में हमने लहसुन डाल दिया, हमारा लहसुन हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं और 1 लाल मिर्च, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे। ये थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल दे रहे हैं। अब इसको चलाकर इसमें मिला देंगे। हमारी दाल में तड़का लग चुका है।
पालक मखनी दाल बना रहे हैं तो इसमें डाल दे रहे एक चम्मच मक्खन और इसको ढक देंगे। दोस्तों ये हमारी पालक मखनी दाल बनकर तैयार है, हमने क्रीम से पूरा सजा दिया है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप सादी रोटी के साथ खाइए, तंदूरी रोटी के साथ खाइए, नान खटाई के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा।